रेडियो भारत 89.6 बजाओ ना। मैं अपूर्वा स्वागत करती हूँ आप सभी लिसनर्स का हमारे शो रोजाना राशिफल में। दोस्तों, हम सभी अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि कल क्या होगा, आने वाला साल कैसा होगा और बहुत सारी बातें। दोस्तों, यही नहीं, आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्म जब होता है बच्चे का, उस वक्त माता पिता भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और उसी समय वो अपने बच्चों की कुंडली कहें या तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है कि कोई कहता है वो कभी नाम से हम कुंडली बनवाते हैं, कभी जन्म तिथि से हम कुंडली बनवाते हैं और वे लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आर के पंडित वर्मा जी। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सर का। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार सर। तो पंडित जी, हम जैसे जानना चाहेंगे, हर किसी का अपने अपने तरीके से अब जानना चाहता है कि हमारा कोई कहता है हॉरोस्कोप कैसा होगा, कोई कहता है राशिफल कैसा होगा। तो अगर हम शुरुआत करें हॉरोस्कोप से करते हैं, तो हॉरोस्कोप कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में? देखिए, जो जन्म पत्री है बहुत ही उसका महत्व है हमारी जिंदगी से, क्योंकि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिष ज्ञान जो है वो भारत की धरोहर है और आदि काल से इसका प्रचलन है। जी, जो हमारे पंचांग हैं, जो रचयिता है उनके, जो आज साइंस भी बताती है कि ग्रह जो प्लैनेट हैं इतने बजे इतने समय तक इस राशि में प्रवेश करेंगे, वो हमारे पंचांगों में पहले से ही लिखा जाता है। जैसे जस्ट आप लगा लीजिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, तो वैसे साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ग्रहण लगेगा, लेकिन हमारे पंचांगों में पहले से ही उसका वर्णन हो जाता है। ये नहीं है कि हमारे पंचांग रचयिता उन साइंटिस्टों के साथ उनका टाइप रहता है। जी नहीं। जी। तो ये जो हमारी विद्या है, एस्ट्रोलॉजी विद्या, जो ज्योतिष विद्या है, ये बहुत बड़ी विद्या है। हर एक हिंदुस्तानी बच्चे तक, एक बच्चे का घर में जैसा आपने बताया बच्चे का जन्म होता है, तो उसी वक्त जन्म होते का ही जो बच्चे के माँ बाप है, दादा दादी है या नाना नानी है, अपने अपने पंडित जी से, अपने अपने विद्वान से जन्म पत्रिका निर्माण करवाते हैं और उन्हें व्यवस्था रहती है कैसी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव है। अगर अशुभ है तो उसका कोई रेमेडी ली जाए, शुभ है तो बहुत ही बढ़िया फल मिलने वाला है। जी जी। तो पंडित जी, जैसे हमने देखा है बहुत बार कि लोग जैसे होते हैं कि या तो अपने जैसे जन्म तिथि जो होती है कुछ उससे बनवाते हैं और कोई कोई नाम का जो पहला अक्षर होगा उससे बनवाते हैं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ता है या मतलब ये दोनों ही एक ही मतलब माने जाते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। नाम से जन्म पत्री बनती है ना, खाली बस से जन्म पत्री बनेगी आपकी जन्म तिथि, जैसे आपकी तारीख किस तारीख को आप पैदा हुए, किस महीना कौन सा था और वर्ष कौन सा था, उसके पश्चात आती है बात कि आपका जन्म समय क्या था, एक्यूरेट जन्म समय चाहिए, और उसके बाद आती है बात आपके जन्म जो शहर है वो उसका नाम क्या था। तो तीनों चीजों का वो कुंडली का निर्माण किया जाता है। कई लोग पहले ही नाम अपने हिसाब से रख लेते हैं कि राशि के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो पहले जन्म पत्री बनवा ली जाती है कि उसमें राशि को कौन सा होता है, राशि कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो नाम बच्चे का नामकरण करते हैं। इस तरह से भी चलता है। जी जी। ओके दोस्तों, देखिए अभी पंडित जी ने हमें क्लियर किया कि कैसे आप राशि फल कहें या हॉरोस्कोप कहें कैसे बनवा सकते हैं, कैसे लोग बनवाते भी हैं। तो दोस्तों, एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा अभी तकनीकी खराबी के कारण हो सकता है आपको हमारी आवाज में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लगे, लेकिन आप जुड़े रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। पंडित जी, जैसे हमने देखा है कि लोग बहुत बार बातें करते हैं राहु काल की, कि राहु काल ये है या राहु काल में हमें ये कार्य नहीं करना है, तो हमारे लिसनर्स को ये बताएं आपके राहु काल आखिर है क्या और मतलब क्यों लोग बचते हैं उस समय में काम ना करने से। देखिए, राहु जो है एक छाया ग्रह है। जी।
तो राहु जो है जहाँ भी कुंडली में विराजमान होते हैं, जिस राशि में भी विराजमान होते हैं, वहाँ उनका खास तौर पर काफी हद तक अशुभ प्रभाव ही रहता है। कभी कभी वो शुभ फल देते हैं, ज्यादा अक्सर खराब फल ही होता है। तो एक रचयिता जो हमारे हैं जो पंचांग के, उन्होंने एक राहु काल का समय दिया हुआ, अभी राहु का उसमें प्रभाव रहेगा। तो जैसे जैसे आज का लगा लीजिए आप, 4:30 से लेके 6 तक राहु काल है। तो कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तो अपने अपने सोच और विचार होती है। तो कई लोग जो मानते हैं उसमें वो कार्य थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। तो ये इस तरह का वो वर्णन है। तो इस तरह के लोग अपने अपनी मान्यता है, अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। जी जी, जैसा पंडित जी कहते भी हैं कि जो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, वो परंपराओं का देश है, जिसमें हम धार्मिक चीजों को ज्यादा मानते हैं। तो आई थिंक ये चीजें इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, और रखती भी है सभी लोगों के लिए, वो मानते भी हैं इन चीजों को, और हर धर्म अपने अपने हिसाब से इन चीजों को मानता है। देखिए आज की तारीख में मैं आपको आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आज की तारीख में हिंदू ही नहीं है, ये ज्योतिष विद्या जो है संसार के हरेक प्राणी पर लागू होती है। जी, ये नहीं है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं ईसाई हैं, उनकी जन्मपत्री नहीं बनती या सिर्फ हिंदुओं की बनती है। जी नहीं, आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास मुस्लिम लोग भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बहुत सारे लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित हो चुका है। क्योंकि ग्रह तो वास्तव में है ही, जब साइंस मान रही है तो एस्ट्रोलॉजी वही चीज है, ज्योतिष ज्ञान 101% है। तो मैं एक चीज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जैसे मेरा एक लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक अकाउंट है और मेरा लाल यूट्यूब पर भी चैनल है। मैं इतनी भविष्यवाणियां करता हूँ, खासतौर मौसम के प्रति, जो मौसम विभाग तो हफ्ता 10 पहले की बताता है ना। जी, तो मेरा 3-3 महीने पहले, 2-2 महीने पहले मैं डालता हूँ, इस वक्त बारिश आएगी, तो इस समय भूकंप भी आ सकता है, या धरती पर कष्ट हो सकता है, या बर्फबारी हो सकती है। और आजकल का मौसम ले लीजिए, आजकल का मौसम ले लीजिए, जो जून का महीना, मई का महीना, इतनी बारिशें हो रही हैं। जी, तो वो साइंटिस्ट नहीं बता पाएंगे, दुखुण, ये एस्ट्रोलॉजिकली बातें हैं सारी। तो मैंने 25 मार्च 2020 को मेरी देश प्यार पंजाब अपने पंचकूला की एक बड़ी अखबार है, उसमें छपी थी, मैंने साफ साफ लिखा था, उसमें बोला था, एस्ट्रोलॉजिकली बोला था कि संवत 2070, इस समय हम संवत 2070 में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें खूब बारिशें होगी, ये टाइटल था उसपे, हेडिंग थी उसकी। तो आज देख लीजिए बारिशें ही हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ आज तो पंखे भी नहीं चल रहे मैडम, कहाँ एसी चलने थे, पंखे नहीं चले। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी आप। ये देखिए कि जून में कोई भी ये मान ही नहीं सकता कि इस वक्त पर मतलब हम नॉर्मल ऐसे बैठ सकते हैं, क्योंकि एसी मई के महीने में ही शुरू हो जाते थे, अप्रैल एंड में ही शुरू हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, जैसे देखिए आजकल का जो मौसम चल रहा है, जैसे अभी आपने बताया, तो जो अभी इतना मतलब कहें एक ऐसी महामारी हमारे देश में चल रही है, और ना कि हमारे देश में, पूरी कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर, तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में लोग कैसे अपने आप को शांत रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, देखिए ये वक्त के साथ ही ये चीज खत्म होगी या ये कम होगी। जी 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 जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? मैं एक चीज बता दूं आपको, जो इस ज्ञान एक अथाह समुद्र है, जी जी, इसका अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। हम रोजाना सीखते हैं, जब मैं सुबह उठता हूँ, सूर्य को प्रणाम करके उठते हैं, तो हम किसी की भी जन्मपत्री देखते हैं या वैसे ही पंचांग देखते हैं, तो हमें रोज सीखने को मिलता है। इसी तरह जो आपने ये जो आजकल का जो चल रहा है कोरोना का जो रोग चल रहा है सारी सृष्टि पर फैल चुका है, इसके बारे में देखिए, हम कोरोना वर्ड यूज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कोरोना क्या है, हम एस्ट्रोलॉजर जो है तो अपनी भाषा में ही उसका वर्णन कर सकते हैं। तो मैंने किया था, तो मेरी पंजाब के इसी जलंधर में मेरी प्रेडिक्शन छपी थी, जो मुझे याद आ रहा है, 13 नवंबर 2019 को छपी थी, उसमें मैंने साफ साफ वर्णन किया था कि कोई आपदा आने वाली है और सरकार सचेत रहे। जी जी, तो आपदा ही है ये वाली, तो हम जो डॉक्टर के वर्ड है या साइंटिस्ट के वर्ड है वो हम नहीं बोल सकते, हमें पता ही नहीं है, हम तो स्वामी का ही एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसी कुछ आने वाली है। जी जी बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, एक हमारे एक श्रोता है जिन्होंने हमें पूछा था ये मैसेज करके,
कि जैसे उनकी अगर जैसे तारीख के हिसाब से वो अपने बारे में जानना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम सिटी के साथ वो उनका अच्छा वो अगर वो पूछना चाहे तो वो आपको कैसे अपने आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको यहीं पे करिए हमारा रेडियो चल रहा है ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो इसी के माध्यम से आप या वो अपने मेल दे दें आपको दे दें या व्हाट्सएप पे दे दीजिए तो हम उनके जवाब को सवाल दे सकते हैं। ठीक है ठीक है तो अगर सवालों के जवाब सॉरी सवाल सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल तो पंडित जी उन्होंने अपना तारीख बताया है 30 जुलाई जी जुलाई 30 जुलाई 1998 जी जन्म समय क्या बताया जन्म समय है उनका सुबह 9 बजे का बर्थ सिटी क्या है बर्थ सिटी है उनका अपना पंचकुला है रहा है जी पंचकुला जी 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 जो इनकी कुंडली क्या क्वेश्चन क्या है इनका इनका प्रश्न ये है कि जो जैसे अभी वो थोड़ा सा अपना नौकरी को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं तो क्या मतलब उनको करना चाहिए क्योंकि जहाँ पे भी वो जाते हैं तो उस तरीके से उनके नौकरी जो है उनकी उनको नहीं मतलब सही तरीके से मतलब नहीं मिल पाती है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी थोड़ा सा ना तो जैसे सर एक्चुअली वो जो एक जो हमारे श्रोता है उनका सवाल था मैं दोबारा से आई थिंक बोल देती हूँ हाँ जी उनकी तारीख सही है आई थिंक एक दो श्रोताओं का था उनमें से एक की है 30 जुलाई और ये है 1986 है वो 86 है उनका 1986 और जो जन्म स्थान जो था वो है पंचकुला का तो ये पंचकुला का जी हाँ जी आपने समय पहले भी बताया था जी जी 9 बजे मैंने बताया था आपको हाँ 9 बजे का हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बोलिए तो वो अपनी थोड़ा नौकरी के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं क्योंकि अब ऐसे एज में वो थोड़ा सा उनको है कि सेटल डाउन होने की बिल्कुल जी देखिए मैंने उनकी जन्म पत्री निकाल ली है और जो उनका मीन लगन का हॉरोस्कोप है और अगर वो अपनी माता की सेवा करते हैं जी देखिए कुछ वो माँ को अपनी नाराज कर रहे हैं तो माँ को नाराज ना करे वो जग जननी है माँ को नाराज करने का मतलब है कि एक पल्ला माँ का और दूसरा पल्ला सारी दुनिया का अगर ये शख्स जो है कि वो हमसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं अपनी नौकरी के बारे में अगर माँ का आशीर्वाद लेते हैं माँ की सेवा करते हैं और माँ के हाथ से अतूट का तिलक लगवाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उचित होगा तो एक ये एक काम कर रहे ये पुखराज रतन डाल रहे तो इनकी नौकरी का बहुत बढ़िया अच्छा इनको चांस मिलने वाला है और बड़ी तरक्की भी करेंगे आगे जाकर जी जी थैंक यू सर तो आई थिंक जिसने जिन श्रोता ने हमें ये भेजा था शायद आपने अपनी इसके बारे में क्या कहते हैं अपना हॉरोस्कोप के बारे में जो आपके क्वेश्चन थे उसके बारे में आपको आपके जवाब आपको मिल गए होंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम हमें नहीं बताया था लेकिन आई थिंक आपको अपनी बात का समाधान जरूर मिल गया होगा पंडित वर्मा जी से तो आप जो आपका प्रॉब्लम्स है वो आपके जो उपाय बताए गए हैं आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा तो एक और हमारे श्रोता है पंडित जी वो है 21 सितंबर 1985 जी 21 सितंबर 1985 जी 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 उनका जन्म स्थान है ये रहा है हमारा चंडीगढ़ का ही है जी हाँ और उनका जन्म समय रहा है पंडित जी उनका दोपहर को 12 बजे जी जी तो जी, क्या पूछना चाहते हैं जी उनका थोड़ा सा सवाल ये है पंडित जी कि वो थोड़ा सा मतलब उनका थोड़ा सा फैमिली में जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है तो उस रिगार्डिंग वो थोड़ा फैमिली में किस तरह का डिस्टरबेंस चल रहा है फैमिली में कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हम उसी जगह मैं उसी पॉइंट पे बात करूंगा फिर मैं ठीक है आई थिंक जिन्होंने हमें ये अपना सवाल भेजा था वो हम चाहेंगे कि अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कृपया करके स्पेसिफिक तौर पर अपनी प्रॉब्लम्स का आप जिक्र करें क्योंकि पंडित वर्मा जी आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और सही तरीके और सही उपाय आपको बताएंगे तो पंडित जी अभी आज के लिए हम यहीं अपने प्रोग्राम को विराम देना चाहेंगे लेकिन जाने से पहले अभी हालिया स्थिति को देखते हुए हमारे लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे वो आप एक मैसेज हमारे बिजनेस को दें जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए जो हमारे श्रोतागण हैं जी उनके लिए मैं यही कहूंगा जो जो उनके ईस्ट हैं जैसे कोरोना काल है इस वक्त हम बड़ी मुसीबत झेल रहा है सारा
विश्व, हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व, और आए हम अपने प्रभु से, अपने ईष्ट से यही प्रार्थना करें कि ये कोरोना नामक राक्षस का अंत करने के लिए जल्द से जल्द भगवान हमारी सहायता करें, जिससे इसके वैक्सीन निकले, कोई मेडिसिन निकले, जल्द से जल्द जो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं उनको एक नया जीवन दान मिले। आइए हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त जो ये हमारा जो वक्त चल रहा है बहुत ही संघर्षमय वक्त है, और हम भगवान श्री कृष्ण का हम एक जाप मैं मंत्र उच्चारण करने जा रहा हूँ, वो भी नोट कर लीजिए, सभी मेरे साथ बोलेंगे, सुन लीजिएगा। महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कलयुग के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। जब जब सृष्टि पर कोई भी दिक्कत आई है, जैसे हम प्राचीन कथाएं या टीवी सीरियल देखते हैं, तो भगवान ने अवतार लिया है। कलयुग में काफी समय है, अभी कलयुग तो बच्चा है, अभी जाकर आगे जाकर कलयुग बहुत ही जो एज बढ़ती जाएगी, बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है, श्रीमद् भागवत जी में इसका वर्णन है। और क्यों ना हम स्वयं सभी भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करें, ताकि कलयुग के देवता हमारी पुकार सुनकर हमारी सहायता करें। जी, तो धन्यवाद पंडित जी कि आज आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े और आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की, उनको बताया, उनको सही राह दिखाया, और जिन श्रोताओं की कुछ जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में भी आपने जिक्र किया, उनके सॉल्यूशंस उनको बताए। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे और हमारे श्रोताओं के जो इतने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे पंडित आर के वर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं हालिया स्थिति को देखते हुए भी कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्या हम कर सकते हैं ऐसी महामारी के समय में। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, आगे भी हम आके पंडित आर के वर्मा जी को हम बुलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में और आपसे मिलवाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम यही विराम लेते हैं, अगले बार हम फिर आपको मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप सुनते रहिएगा आपका अपना रेडियो स्टेशन जो कि है रेडियो भारत 89.6, बजाओ नाउ।